बहुत सारा दिया है। अच्छा, कॉलोनी वगैरह सबको दिया, जिसको जितना मिट्टी घर था उतना सारा मिट्टी घर तोड़ करके और सब ईटा सब बना दिया। 2024 नरेंद्र मोदी को देंगे, बहुत छोटा जाति के लिए बहुत प्रसाद दिया है, वो बहुत लोगों को मदद किया है। मोदी के पता नहीं है लेकिन खिला रहा है, वही अभी दे रहा है वही मोदी। ये सरकार है नरेंद्र मोदी के देंगे हम लोग को, जो झारखंड में पूरा रहा राशन पानी सब उसी को वोट देंगे हम लोग। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सबको मालूम है कि उदय इंडिया का पूरा टीम जो है दिल्ली से बाय रोड निकलते हुए पूरा बिहार हम लोगों ने लोकसभा इलेक्शन का क्रॉस किया, लोगों का ओपिनियन लिया, पब्लिक ओपिनियन लिया और आज सुबह सुबह हम आके झारखंड के बॉर्डर में एंट्री किए और अब आप पहुँचे हैं हजारीबाग में। अब हजारीबाग में यहाँ पर मेरे साथ कुछ यहाँ का भाई लोग हैं और यहाँ की जो आदिवासी इलाका है उसी इलाका में गांव में रहते हैं। क्या नाम है, इनसे जानेंगे कि ये लोग का यहाँ का लोकसभा जो 2024 से इसमें किसको वोट दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं कि राहुल गांधी को दे रहे हैं कि जय मैम को दे रहे हैं, कि गांव की क्या माहौल है। आप बताइए भैया, यहाँ पर अभी लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है, पता है ना आपको, तो आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे, फूल को देंगे, मोदी को, नरेंद्र मोदी को देंगे या जय मैम को देंगे? मोदी को देंगे हम लोग। मोदी को देंगे? आपका क्या नाम है? विष्णु भुइया। विष्णु भुइया, तो कौन सा गांव से है आप? रसलपुरा का। तो मोदी को क्यों वोट देंगे, मोदी में क्या है, आपको क्या लगता है? मेरा कुछ नहीं लगता है, लेकिन वो बहुत मदद की है ना, जितना मिट्टी के घर है वो तोड़वा करके फर्श ऊपर बना दे रहा है ना मेरा। आपको भी घर बनाया मोदी ने? हाँ। झारखंड में? हाँ। कितना लोगों का घर बनाया गांव में? बहुत सारा दिया है। अच्छा, कॉलोनी वगैरह सबको दिया, जिसने जितना मिट्टी घर था उतना सारा मिट्टी घर तोड़ करके और सब ईटा सब बना दिया, सब मोदी ने बनाया जी। तो जैसे लेडीज लोग है गाँव में, आपके घर में मुखिया है, यहाँ पर तो झारखण्ड में सरकार दूसरा है, जय मैम का है और वो तो अभी जेल चला गया, लोग क्या कहते हैं आपको, कैसे आपका मुख्यमंत्री जेल चला गया? जब जेल चला गया तो फिर क्या, फिर भी तो आएगा वो उधर ही। तो फिर भी आपको मोदी पे भरोसा है? भरोसा तो है, क्योंकि वो हर चीज हर क्रम हम लोग को छोटा जाति के लिए बहुत प्रसाद दिया है, वो बहुत लोग को मदद किया है छोटा जात के लिए, आदिवासियों के लिए है ना। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब है आप तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जी, गाँव में भी वही माहौल है। अच्छा, तो यहाँ की सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे काम कर रहा है यहाँ के जो झारखंड की राज्य सरकार है? हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रोजी रोजगार जो कर रहे हैं, हम लोग रोजी जिस तरह से हम लोग कमाते खाते उस तरह कमाएंगे खाएंगे। तो आपका बातों से लग रहा है इतना खुश नहीं है राज्य सरकार में, मतलब तो हम थोड़ा और आप उम्मीद रखते हैं कि और कुछ ज़्यादा करे राज्य सरकार मोदी की तरह, ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है, अगर मान लो जो हमको फालियत देगा मेरा लिए थोड़ा रोजी रोजगार बनाएगा उसके लिए ना। हाँ ना, जिसको रोटी आज तक हम रोटियाँ मोदी खिलाया है, ठीक है, अभी देखो फ्री चावल खिला दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम फ्री चावल कौन खिलाया? सब मोदी खिलाया। अच्छा, मोदी खिला रहा है अभी तक, मान लो 1 रुपया में हम लोग 35 किलो चावल खरीद रहे हैं, अब तो फिर 1 रुपया किलो दे रहा है वो चावल है ना, और नहीं तो फिर ऐसा होता तो सब जब से। महीना कितना किलो चावल मिलता है? महीना हम लोग 35 किलो मैंने जरूर। कितना परिवार मेंबर है तुम्हारा? हम लोग पांच परिवार में 35 किलो भी मिलता है। मतलब तुम्हारा रहने का घर भी मोदी दे दिया और खाने के लिए चावल भी मोदी दे दिया। तुम्हारा क्या नाम है? नीलू भुइया। कौन सा गाँव का है? खड़े रहो, सूरजपुरा। तो तुम किसको वोट दोगे? मोदी क्या किया तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया है। क्या मोदी का पूरा नाम पता है? मोदी के पता नहीं है लेकिन खिला रहा है वही अभी। मोदी खिला रहा है? कौन बताया? दे रहा है वही मोदी। मोदी दे रहा है? और क्या किया है? वो किया, घर बनाया है। तुम्हारा घर बनी है? कब बना? अभी करीब 1 साल कर हुआ। तुम्हारा कितना कमरा का घर बनाया मोदी ने? हम लोग को दिया 3 रूम 1 किचन। 3 रूम 1 किचन दिया? बाथरूम भी दिया। बाथरूम भी बना के दिया? हाँ दिया। कितना परिवार का सदस्य है वो? करीब 2 परिवार के लिए। और पहले कहाँ बाथरूम वगैरह जाते थे? पहले यही जंगल झाड़ी से बाथरूम जाते हैं। तो बाथरूम तो बन गया लेकिन पानी नहीं आता होगा उस पर? पानी कैसे नहीं आएगा? पानी आता आता है।
तो आपका जो आप करते क्या है बेसिकली, किसान हो? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, तो मतलब खेती बाड़ी के साथ साथ जो ये जो सरकार से सहायता मिल जाता है आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ राज्य सरकार में भी है वो कुछ किया आपके लिए? जय मैम ने कुछ नहीं किया। और ये जेल चला गया, आपको क्या लग रहा है? आपको लोग कुछ नहीं किया, वो कतनो जीता बोला घर घर नौकरी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया यहाँ का मुख्यमंत्री जो जेल में है, कुछ नहीं किया? नहीं। अब भाई तुम्हारा क्या नाम है? विजय प्रसाद मेहता नाम है। हाँ, विजय प्रसाद मेहता। विजय मेहता, क्या तुम वोट दिया है कभी? वोट तो दिए नरेंद्र मोदी को, उसको भी दिया है मैंने। 2019 में वोट दिया किसको? हेमंत सरकार के दे दिया था, नरेंद्र मोदी को दोनों को दिमा रहा था वोट। इस बार किसको दोगे 2024 में? 2024 नरेंद्र मोदी को देंगे वोट। नरेंद्र मोदी को? यहाँ तो जेएमएम का सरकार है इस राज्य में। जे सरकार है नरेंद्र मोदी के देंगे हम लोग को, जो झारखंड में पूरा रहा राशन पानी सब उसी को वोट देंगे हम लोग। मतलब आपकी गांव में आसपास के सारे एरिया लोग कह रहे मोदी सब मोदी को निकलेगा, जहाँ भी वोट निकलेगा झारखंड सब मोदी निकलेगा। लोकसभा के लिए? लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है। ओके, तो गांव की विकास भी कुछ हुआ है? जैसे गांव के रास्ता है, आपका भी घर बनाया मोदी, कितना रूम दिया? चार रूम है, किचन है, बाथरूम है, संडास सब उसी में है। और क्या चावल भी मिलता है राशन? 35 किलो चावल दिया। जनरल मिला, जनरल मिला। टोटल जितना गरीब हो मेहता हो सब जो जनरल दे रहा है राशन पानी सब टोटल दे रहा है। इसका मतलब है आप सब गांव के यहां के झारखंड के लोग मोदी पे खुश है? सब मोदी का खुश है। खुश है? खुश है। तो यहाँ का सरकार से खुश नहीं है? राज्य सरकार से? राज्य सरकार का कोई फायदा नहीं है हम लोग। अच्छा, यहाँ पर आदिवासी बहुल राज्य है जैसे जंगल में, उनके पास भी विकास जा पाता है क्या? सुनिए, आदिवासी को उन लोग पर डर गया। हाँ, उन लोग पर डर है, मेहता लोग पर नहीं देख रहा है। वो नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे, खाली आदिवासी के लिए कर रहे हैं। आदिवासी के उन लोग जान दे दिए राज्य सरकार ने। राज्य सरकार। अच्छा अच्छा, तो बाकी विकास का काम सारा कुछ आपका हो गया है? हो गया, हो गया। लाइन बाथरूम सब दे दिया। हाँ, सब दे दिया। एक घर वहाँ जंगल रहता है, वहाँ लाइन पहुँचा दिया। जंगल में भी पहुंचा दिया? जहाँ जंगल में घर कहीं भी एक घर है चाहे दो घर, से हर जगह लाइन पहुंच गया है। हाँ, यहाँ हम लोग का जंगल में घर घर लाइन हो गया है हम लोग का जो लाइन। पानी भी आता है रेगुलर? पानी टोटल अभी भी टंकी बैठा हुआ है थी मोदी से, हर जगह जगह बैठा, हर जगह बैठी होती। तो अभी आप लोग का सब मिल गया, तो बाबू आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आपको अगर बोलना चाहे कि और क्या चाहते हो प्रधानमंत्री मोदी से? दो बार में आपको इतना सुविधा प्राप्त कर दी, तीसरी बार अगर वो आप कह रहे हो वोट देंगे तो हम लोग का एक ही एक चांस और है, खाली पेट्रोल और डीजल कम हो जाएगा, मोदी 5 साल और गद्दी पर रहेगा। वो रहेगा? रहेगा 5 साल और। तो आपने सुना कि 10 साल में इस गांव के इलाका में, मेरे पीछे आप जंगल देख रहे हैं, इस जंगल के अंदर ये लोग सब रह रहे हैं, और ये हजारीबाग जिला का है झारखंड का। इनका कहना है कि हमारे लिए मोदी ने घर बना दिया, टॉयलेट बना दिया, और टॉयलेट में मैंने पूछा पानी आ रहा है, आपने सुना टॉयलेट में पानी भी रेगुलर आ रहा है, उनको हर परिवार को 35 किलो चावल भी मिल रहा है। वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी मोदी आएगा, लेकिन मोदी से ये लोग अपील कर रहे हैं कि थोड़ा डीजल और पेट्रोल कम कर ले, ये उनको प्रधानमंत्री के पास प्रार्थना है। आगे अभी जाके और लोगों से हम झारखंड में बात करते रहेंगे। हजारीबाग से दीपक रथ, उदय इंडिया के लिए।